राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनावों को कहा जाता है और राजस्थान में ये छात्र संघ चुनाव काफी अहम है क्योंकि राजस्थान की छात्र राजनीति से निकले हुए वो युवा छात्र नेता आज भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों में कद्दावर नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की छात्र राजनीति ने मुख्य राजनीति को इतने बड़े नाम दिए हैं कि राजस्थान में छात्र राजनीति का एक नया ही आयाम स्थापित करते हैं। लेकिन 12 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राजस्थान की छात्र राजनीति की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को एक बयान देते हैं कि छात्र संघ चुनावों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री फैसला लेंगे, लेकिन इसके साथ ही सीएम ने कहा कि छात्र राजनीति में जो धन बल है उसका काफी दुरुपयोग होता है, लिंगधो कमेटी की सिफारिशों का ये छात्र उल्लंघन करते हैं। उसके बाद मानो उच्च शिक्षा विभाग छात्र संघ चुनावों पर रोक के लिए कमर कस लेता है। जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि उसने छात्र संघ चुनावों को लेकर कई यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से राय मांगी और सभी कुलपतियों ने छात्र संघ आयोजित नहीं करवाने का जो अपना निर्णय है, अपना पक्ष है, वह रखा है। इसके बाद तुरंत आनन फानन में उच्च शिक्षा विभाग फैसला लेता है कि छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई जाती है और ये आदेश जारी होता है 12 अगस्त की रात तकरीबन 12 बजे। जैसे ही आदेश जारी होता है वैसे ही राजस्थान भर के युवा छात्र नेता सड़कों पर उतर गए। पिछले 4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय सहित तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन अपनी हदों को पार कर रहा है। हालांकि इन छात्र नेताओं का ये तर्क है कि अगर युवा राजनीति को आगे बढ़ाना है तो छात्र संघ चुनाव जरूरी हैं, लेकिन इन युवा छात्र नेताओं का जो ये धरना प्रदर्शन का तरीका है ये सही है या गलत है, इसका फैसला सरकार करे, पुलिस प्रशासन करे, इसका फैसला करने वाले हम नहीं। लेकिन जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 24 घंटों से हो रहा है उस पर हम हमारा तर्क और हमारी टिप्पणी रख सकते हैं, क्योंकि ये वो घटनाएं हो रही हैं जो राजस्थान को शर्मसार कर रही है, साथ ही छात्र राजनीति के भी जो एक छवि है उसको धूमिल कर रही है। बात करेंगे हम 15 अगस्त की शाम की, यानी कि तकरीबन 7:30-8 बज रहे थे। राजस्थान विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल के पास में बनी हुई एक पानी की टंकी, उस पर दो छात्र नेता चढ़ जाते हैं। ये छात्र नेता छात्र संघ चुनाव आयोजित करवाने की मांग को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तकरीबन 14 घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन इन छात्र नेताओं को नीचे उतारने में कामयाब होता है, लेकिन ये 14 घंटे प्रशासन के लिए काफी भारी पड़ते हुए नजर आए। चलिए 16 अगस्त को इन छात्रों को नीचे तो उतार लिया गया, लेकिन उसके बाद जो राजस्थान विश्वविद्यालय में हुआ वो आज तक नहीं हुआ है। कुछ तफ्तील से आपको इनको बताते हैं कि क्या हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय में, क्योंकि तमाम जो राजस्थान की जनता है वह जानना चाहती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में ये हुड़दंग क्यों मचा हुआ है। सुबह सुबह कुछ छात्र यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, हालांकि यूनिवर्सिटी में पिछले 4 दिनों से धरना चल रहा है। कुछ छात्र अपने हाथों में पेट्रोल की बोतल लिए हुए पहुंचते हैं और वो कुलपति सचिवालय के अंदर घुस जाते हैं, वहां वे नारेबाजी करते हैं। इसके साथ ही पेट्रोल की बोतल को हवा में लहराते हुए कहते हैं कि यदि छात्र संघ चुनावों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया तो वह आत्मदाह कर लें। इसके तुरंत बाद 10 छात्र प्रशासनिक भवन की बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं, यानी कि विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वह पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गए, प्रशासनिक भवन की छत पर जा डटे। इसके साथ ही एक छात्र नेता यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठकर खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है कि मुख्यमंत्री साहब, छात्र संघ चुनाव आयोजित करवाइए। दूसरी ओर कुछ छात्र नेता कुलपति का सांकेतिक पुतला है वो जला देते हैं। पहले यूनिवर्सिटी परिसर में शव यात्रा निकाली जाती है कुलपति के सांकेतिक पुतले की और उसके बाद उसका दहन कर दिया जाता है। बात यहां नहीं रुकी, इसके बाद जो हुआ वो आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में नहीं हुआ है। कुछ छात्र नेता उस कारगुजारी पर निकल पड़े, यानी कि उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो न तो राजस्थान विश्वविद्यालय में देखी गई है और मुझे नहीं लगता कि
भविष्य में भी ऐसी कोई तस्वीर नजर आएगी। कुलपति सचिवालय पर धरने हो रहे हैं, प्रशासनिक भवन पर धरने हो रहे हैं, विश्वविद्यालय के गेट पे प्रदर्शन किया जा रहा है, पानी की टंकी पर चढ़ा जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र नेताओं ने रुख किया कुलपति आवास का। ये छात्र नेता भागते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं चढ़ जाओ, यानी कि ये छात्र नेता कुलपति आवास की दीवार को फांदकर उसके घर में प्रवेश करते हैं। देखिए, ये कुलपति का निज आवास है, यहाँ पर उनका परिवार रहता है, उन परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के सुरक्षा गार्डों की है, लेकिन ये छात्र मुख्य गेट से प्रवेश न करके जो दूसरा गेट है, जो सालों से बंद है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, उस गेट से कुलपति सचिवालय के अंदर, कुलपति आवास है उसके अंदर घुसते हैं। ये पूरा घटनाक्रम क्यों हो रहा है? छात्र संघ चुनावों की मांगों को लेकर। यदि छात्र संघ चुनावों की आपको मांग करनी है, आयोजित करवानी की, तो उच्च शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। कुलपति आवास के अंदर घुसना, कुलपति सचिवालय के अंदर पेट्रोल की बोतल लेके जाना, प्रशासनिक भवन पर छत पर चढ़ जाना, खून से पत्र लिखना, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल कर रही है। ये तस्वीरें राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश की समस्त यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा डिबेट का विषय बन चुका है। लेकिन वर्तमान में जो ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़ा जा रहा है, कुलपति आवास के अंदर घुसा जा रहा है, कुलपति सचिवालय में पेट्रोल की बोतल लेकर लोगों को ये धमकी दी जा रही है कुलपति को कि हम आत्मदाह कर लेंगे, ये तस्वीरें यूनिवर्सिटी की छवि के हिसाब से उसको धूमिल करने वाली है। ऐसे में ना सिर्फ सरकार को, इसके साथ ही प्रशासन को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा कि क्या एक छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ऐसी हरकतें सही है, या फिर सरकार को इन पर लगाम लगानी होगी, या छात्र संघ चुनाव को लेकर जल्द ही अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करना होगा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।